बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के आगाज में यरूशलम में जो इजरायली अफवाज के जुल्मों सितम हो रहे हैं और मस्जिद अक्सा में आपने देखा कि यौमुल कुद्स के ऊपर जो लोग वहां पे दाखिल हुए, नमाज जुम्मा अदा की, दुआएं की और उस वक्त से अब तक जो है फलस्तीन के मजलूम अवाम जो है वो अपने हक के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर इसराइल ने जिस तरह से तशद्दुद का एक दफा फिर मुजाहरा किया है वो काबिल मजम्मत है और पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं दुनिया भर के वो इसके ऊपर बहुत दुखी हैं और बहुत तकलीफ में हैं कि जिस तरह से वहां के निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। बहरहाल, चूंकि मुसलमानों की बात हो रही है, अभी हाल ही में एक और बड़ी डेवलपमेंट जो कि देखने को मिली वो वजीर आजम और आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा था। बहुत अहम दौरा था। यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो मामलात थे उनके अंदर काफी कशीदगी पाई जाती थी और अब लेकिन जिस अहमियत का यह दौरा है और जिस तरह से इसको अहमियत दी गई, पर्पल कलर का जामनी कारपेट वजीर आजम के लिए बिछाया गया, उसके बहुत सारे मानी भी हैं लेकिन यह बात तय है कि बहुत अहमियत दी गई है सऊदी अरब से भी पाकिस्तान के इस दौरे को। सो क्यों ये जो तलखियां खत्म हुई तो कैसे हुई और ये दोस्ती का हाथ एक दफा फिर, पहले भी दोस्ती थी, कभी खत्म नहीं हो सकती सऊदी अरब के साथ, लेकिन वो जो एक सदमहरी थी उसमें अब गर्मजोशी क्यों आई है, यह बहुत अहम सवाल है और इसके ऊपर जरूर बात भी होनी चाहिए। बहरहाल, जो मुआहदे हुए हैं उसके ऊपर भी और खास करके डेढ़ साल से जो ताल्लुकात कशीदा थे और एक स्टेटमेंट भी आया था कि अगर ओआईसी कश्मीर के मामले के ऊपर बात नहीं करेगी, वजीर खारजा ने कहा था टेलीविजन प्रोग्राम में, तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जिसपे सऊदी अरब ने बहुत ज्यादा एतराज भी किया था और उस वक्त फिर $3 बिलियन जो पाकिस्तान को उन्होंने दे रखे थे कर्ज के तौर पर, पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ाया था कि ये वापस किए जाए जो पाकिस्तान ने फिर चीन से लेकर वापस किए थे। तो सवाल यह है कि इस दौरे के अंदर क्या ऐसी अहमियत है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब बहुत करीब आ गए हैं। इसकी तफसीलात अभी तक नहीं है लेकिन जो मुआहदे हुए हैं, जो सामने नजर आ रहे हैं, उसमें लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर सऊदी अरब के साथ मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे। 2030 का एक प्लान जो है वो बताया जा रहा है। बहरहाल, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे कि ये कितनी अहमियत का हामिल है और क्या इस मामले के ऊपर पार्लियामान और कौमी क्यादत को भी एतमाद में लिया जाएगा या नहीं। दूसरी जो सबसे अहम स्टोरी है वो शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से और उनके बैरून मुल्क रवाना होने के हवाले से बात हुई है और उनको जो रोका है हुकूमत की तरफ से, एफआईए की तरफ से, उसके ऊपर बहुत सी बात हो रही है। पूरे वीकेंड पे हमने देखा इस पे बात होती रही है। दूसरी जानब जो फैसला आया, डिटेल जजमेंट आई है उनके केस के हवाले से, वो भी बहुत अहम है। लेकिन उससे पहले आज से, अब से थोड़ी देर पहले वजीर आजम हाउस में, बल्कि आते ही वजीर आजम के, एक बहुत अहम इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर शहजाद अकबर साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, दीगर अहम क्यादत भी थी, लेकिन यह तय पाया कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है उसको असर नौ तफ्तीश के लिए खोला जाएगा। याद रहे कि लाहौर हाईकोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया था, हुदैबिया पेपर मिल्स का जो मामला था इसको बंद कर दिया था। तो अब जो कल परसों फैसला आया शहबाज शरीफ साहब का, उसके अंदर भी कोर्ट ने बहुत अहम कुछ नुकात जो है वो बयान किए, वो आपके सामने रखते हैं। जो फैसला दिया जिसपे बहुत तनकीद भी की जा रही है, बाय द वे, दरखास्त गुजार के जराए आमदन मालूम करने के लिए तफ्तीश नहीं की गई, ये कहा है लाहौर हाईकोर्ट ने। शहबाज शरीफ ने कोई जायदाद खरीदी ना उनकी मिल्कियत है, शहबाज शरीफ के अकाउंट में टीटीज आने का कोई सबूत नहीं दिया गया, पब्लिक ऑफिस होल्डर को 100% मिस्टर क्लीन होना चाहिए, अवामी नुमाइंदे पर करप्शन के इल्जाम से सियासी नुकसान पहुंचता है जो शिकस्त की एक किस्म है, शहबाज शरीफ पर 269 मिलियन के असासों का इल्जाम तो लगाया गया लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया, शहबाज शरीफ के जराए आमदन साबित करने के लिए नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की, शहबाज शरीफ के अकाउंट में बराह रास्त कोई रकूम ना मुंतकिल हुई, नैब ने इतराफ किया कि शहबाज शरीफ पर किकबैक्स या नाजायज रकम वसूल करने का कोई इल्जाम नहीं है, बेदिली से शहबाज शरीफ को मुजरिम साबित करने की कोशिश के बावजूद नैब सबूत देने से की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता, शहबाज शरीफ के फैमिली मेंबर्स का उनकी कफालत में होने का बराह रास्त सबूत नहीं दिया गया, शहबाज शरीफ केस मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है और शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत आना अभी बाकी है, यानी कि नैब ने कोई सबूत ना दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी जमानत हो गई और फिर उनको मुल्क से बाहर जाने, लंदन जाने के लिए रोक दिया गया, जो कि बजाहिर वो इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन और बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि उनका बाहर जाना, मियां साहब से मिलना, उनसे शायद कुछ मुशावरत करना मुस्तकबिल के लिए, वो बहुत अहम था जिसकी बुनियाद पे ये फैसले जो है वो लिए गए। बहरहाल, क्या शहबाज शरीफ को रोका जा सकता है और अगर रोका गया तो किन बुनियादों पर रोका जाएगा और अगर रोका जाता है तो क्यों रोका जाता है, शहबाज शरीफ के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ नया केस हुदैबिया पेपर मिल्स का जो है वो किस तरह से खोला जाएगा, उसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। कुछ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी नई
नई चीजें हैं और 249 पे पीपल्स पार्टी जीत गई है और पीएमएलएन खामोश है। ये खामोशी अच्छी है लेकिन है क्यों, इस पर भी बात जरूर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उस्मान डार साहब, मावन खसूसी बराए उमूर नौजवान, वजीर आजम के मावन खसूसी हैं। बड़ा जबरदस्त इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, कामयाब जवान प्रोग्राम, और मैं देख रही थी कुछ ख्वाजा सराओं के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी, उनकी मदद का जो प्लान है, जबरदस्त प्रोग्राम है, उस पर भी जरूर किसी वक्त बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और स्पोक्स पर्सन है मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुबैर साहब हमें ज्वाइन करने का। सईद गनी साहब सूबाई वजीर तालीम सिंध थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की सियासत पर। सबसे पहले जुबैर साहब आपके पास आते हैं, ये जो शहबाज साहब को रोकने की बात है सर, ये क्यों रोका गया है उनको, और आपको क्या लगता है कि पूरी तरह कुल्ली तौर पर ये एक सियासी मामला है या हुकूमत ये समझती है कि उनको बाहर जाने देना उनके लिए एक अखलाकी शिकस्त हो सकती है? एक तो आसमा, मुझे अगर कभी शक था कि ये बनाना रिपब्लिक अंडर इमरान खान नहीं है तो अब तो उस पर मोहर लग गई है। पिछले तीन दिन से जब से रोका गया है तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि हुकूमत का मौकिफ क्या है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी वो हम इनको नहीं जाने देंगे, हर बार इस्तेमाल करेंगे, वो तो जा ही नहीं सकते थे। आज शहजाद अकबर साहब ने कहा कि अगर वो चले जाते तो बाकी 14 का क्या होता है। भाई ये तो कोर्ट का मामला है, आपका मामला अगर होता तो आप कोर्ट में ही खड़े होकर कहते कि जी ये हमारा कंसर्न है और इसलिए इनको नहीं जाना चाहिए। उस वक्त टिपिकली इनएफिशिएंट भी है, कैपेसिटी भी नहीं है, इनकॉम्पिटेंट भी हैं, और दो नंबर काम भी करने होते हैं, हर दो नंबर काम करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हो, चाहे मतलब जाहिर सी बात है। एंड आई एम श्योर इसके अहकाम जो हैं इनको रोकने के शहबाज शरीफ साहब को डायरेक्टली सऊदी अरेबिया से इमरान खान साहब की तरफ से आए होंगे, बिकॉज वो कभी ये एब्जॉर्व कर ही नहीं सकते। उनका जो जिंदगी का मकसद है, जिंदगी का, और फिर वो उसको मौका मिल गया, उनको वजीर आजम की कुर्सी पर भी बिठा दिया कि उस मकसद को अचीव करने के लिए कि इनको तबाह और बर्बाद करना। अच्छा, लेकिन जुबैर साहब जो जिस तरह से जमानत का फैसला, बाहर जाने की जो इजाजत मिली और लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया फौरी तौर पर शहबाज साहब को, उसके बाद फिर लोगों ने बहुत तनकीद भी की है कि क्या इस इतनी जल्दी में उनको बाहर जाने की इजाजत का देना, कोर्ट के कॉन्डक्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात और बहस हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो एक बिल्कुल बहस हो सकती है और होनी, अगर किसी ने करना है, एतराज करना है तो उस पर हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि शहबाज साहब ने कोई गन पॉइंट पर तो नहीं रहा किया। हम तो ऑपोजिशन जमात हैं, अगर हम हुकूमत होते और हमें कोई फैसिलिटी मिलती तो ये तनकीद का निशाना बनाया जा सकता था कि हुकूमत ने दबाव डाल के एक अपने लिए फायदा उठाया है कोर्ट के थ्रू या किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के थ्रू। अब यहाँ तो मसला ये है कि एक हम ऑपोजिशन में, अभी तो वो जेल से निकल के आए हैं, दो दफा जेल में रह चुके हैं, सो वो कोई स्पेशल उनके लिए कंसिडरेशन तो नहीं नजर आ रही कि पिछले तीन साल में शहबाज शरीफ साहब को या पीएमएलएन की लीडरशिप को बड़ा जबरदस्त तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है। हमें तो दीवार के साथ चिनवा दिया गया है और उसके बावजूद अगर कोई ये एतराज कर रहा है तो वो तो कोर्ट जाके एतराज करेगा जी आपने इतनी जल्दी क्यों कर दिया था। दूसरी बात यह है कि हम चैलेंज करेंगे, वो कहा है कि चैलेंज करेंगे लेकिन कब करेंगे? अच्छा, देखिए, एक तरफ तो ये है कि जी शहबाज शरीफ जाते वहां नवाज शरीफ से मिलते, सियासी बातचीत होती, और जाहिर सी बात है सियासी बातचीत होती। अब सबसे बड़ा जो मसला है, जो रोकने का मकसद है वो और डिस्क्रेडिट करने का मकसद है कि इमरान खान को हर रोज ये डर खौफ लग गया है कि शायद उनके लिए जो वन पेज थ्योरी थी वो उस तरह से नहीं रही है, और अब जो सीढ़ी लगा के उनको ऊपर चढ़ाया गया था, शायद हो सकता है सीढ़ी खींच दी जाए। सीढ़ी खींचने का मकसद ये नहीं कि उनको गिराने के लिए, सिर्फ न्यूट्रलिटी के लिए कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर पर पीएमएलएन को जिनको दीवार के साथ लगाया गया था, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो भी पॉलिटिक्स कर सके। तो और फिर जेकेटी फैक्टर है और ये तमाम चीजें हैं, वो तो इमरान खान को डर खौफ उस चीज का, बजाय कि वो फोकस करें डिलीवरी पर, फोकस करें गरीब लोगों। जुबैर साहब, ये बड़ी आपने अहम बात की है डार साहब। एक तो ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके, सब सियासी जमातों को अगर फराहम कर दी जाती है तो वो भी एक अहम चीज है, और सीढ़ी अगर खींच ली जाती है जो कि शायद किसी को इक्तदार में लाने के लिए ना हो लेकिन कम अज कम उसको लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लाने के लिए हो, तो ये एक बड़ा डर है जिसकी वजह से शहबाज साहब को बाहर जाने से रोका गया है।
अच्छा देखिए, आज पर दो तीन बड़ी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये क्लेम करते हैं कि मौजूदा हुकूमत या वजीर आजम इमरान खान शहबाज शरीफ साहब से बुखलाहट का शिकार हैं, घबराहट का शिकार हैं। अगर हमें किसी सतह पे भी शहबाज शरीफ साहब से कोई मसला हो या हम वाकई सोच रहे हो कि हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लिए पोलिटिकल थ्रेट है, तो हम तो उन्हें खुशी खुशी बाहर जाने दें। माजी में देखें, जनरल मुशरफ से लेके जब ये सारे का सारा खानदान बाहर क्यों भेज दिया गया, जो एनआरओज की हम बात करते हैं वो यही थे ना कि हम आराम से हुकूमत करें और ये एनआरओ लेके बाहर चले जाएं। तो अगर अगर ये जो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हम बाहर नहीं जाने दे रहे, जो कि एफआईए है जिसने नाम डाला, निकालना या दरखास्त इनकी तरफ से आनी है, तो ये तो खुद अपने बयान की नफी कह रहे हैं। लेकिन दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके नाजरीन के सामने रखना चाहूँ। देखिये, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया या दरखास्त ये है जी कि मैंने बाहर इलाज के लिए जाना है, कैंसर के पेशेंट, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और दूसरी तरफ फरमाए, सेहतियाब हो। लेकिन दूसरी तरफ आपकी सुबह पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर साहिबा डॉक्टर यास्मीन आयशे साहिबा काम भी कर रही हैं, इलाज भी यहाँ करवा रही हैं, वो तो नहीं कह रही कि मैंने जाने लंदन, जाने लंदन ही इनका इलाज होगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब भी गारंटोर थे, इन्होंने जमानत दी थी पाकिस्तानियों के मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे, वापस आएंगे 90 रोज के लिए इलाज करवाने के लिए। इसी खानदान के इन्हीं बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब पिछले 18 माह से लंदन में हैं और 18 माह से एक रिपोर्ट पीएमएलएन पेश नहीं कर सकी, मांग मांग थक चुके हैं कौन सा इलाज मियां साहब का चल रहा है। और फाइनली उनकी साहबजादी मरियम नवाज का बयानिया रिकॉर्ड पे है कि मेरे वालिद वापस नहीं आएंगे, उनकी जान को यहाँ खतरा है। इसका मतलब है वो सारा ड्रामा लगा हुआ था जो हेल्थ का ये लगा के बाहर गए थे। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आखिरी है, जो मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर ने, तो 3 दफा वो चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, अभी तक जुबैर साहब ही पाकिस्तानियों को बता दें अपने दफा में जो असासे मंजरे आम पे आए हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के, अभी तक वो क्या बताया उन्होंने कि ये असासे मैंने बनाए कैसे हैं। चले हम आम पे छोड़ दें, हमने जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, ये सामने ले आए वो सामने ले आए, जब एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के असासे मंजरे आम पे आ जाए और वो ये बता ना सके। साहब जो फैसला है, माजत कथा कलामी माफ कीजिएगा, जो फैसला है कल जमानत का, उसमें तो कहा है कि नैब ने कुछ पेश ही नहीं किया, उनके खिलाफ 269 बिलियन के असासों का इल्जाम लगाया, सबूत नहीं दिया, और ये फैसले में कहा है उन्होंने, जो तफसीली फैसला है। देखिए, अदालत के फैसले के ऊपर तो चले, हमने तो अदालतों के फैसलों का पहले भी एहतराम किया है। एक तो जो जमानत हुई, जमानत तो माजी में डबल शाह की भी हो गई और बहुत सारे ऐसे लोगों को जमानतें भी मिल जाती है, केस चलते रहते हैं। डबल शाह है। ठीक। और मैं क्या कहूँ, वो भी पंजाब से ही है डबल शाह हमारा, पूरे पंजाब को पता है डबल शाह ने क्या किया था। तो वो भी बाहर निकल के जमानत लेके यही कह रहा था जी मैं तो बाहर आ गया हूँ। सर, साबिक वजीर आला है और आपने उनको डबल शाह के साथ मिला दिया, ये तो खैर चले। मैं इस पे क्या, मैं सईद गनी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, सईद गनी साहब ने भी ज्वाइन किया। सईद गनी साहब, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब को क्यों रोका गया, और जो उनके उनको अदालत ने इतना अहम फैसला दिया है, आपने मुलाकात उनके सुने पड़े होंगे, ये तो मतलब बिल्कुल क्लीन चिट है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें एक तो जाहिर अदालत का फैसला है, उनके हक में आ गया है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को उसको मानना चाहिए, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, नजर से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला आ गया है। अच्छा, दूसरी जो बात है कि क्यों रोका है, देखिए मैं एक तो इस बात को मैं बड़ा समझता हूँ कि हमें तस्लीम करना चाहिए कि शहबाज शरीफ को एक बीमारी है, उनका इलाज बहाल हुआ है, और अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो फ्रीक्वेंटली 6 महीने साल में विजिट करें और अपना मेडिकल चेकअप कराएं, तो इसकी इजाजत उनको होनी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, होनी चाहिए, वो जाएंगे और चेकअप करा के आ जाएंगे। लेकिन जो हुकूमत का डर है, मेरा ख्याल है, ये मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वैसे मेरा एक सियासी कारकुन में अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ कि हुकूमत को ये पता है कि उनकी नाइली और नलायकी जो पिछले 3 साल से जिसका सामने इस कौम को, इस मुल्क को है, उन्होंने हालात इतनी खराब कर दिए कि शायद मजीद कंटिन्यू करेंगे अगर ये, तो मुल्क और कौम के हालात खराब होंगे, मईशत और बर्बाद होगी। तो इनको डर ये है कि कहीं कोई ऐसा अरेंजमेंट ना हो रहा हो जिसमें मियां बरादरान को ये मौका दिया जा रहा हो कि जाकर बैठ के आपस में कोई बात बात करें,
और बड़े मियां साहब को समझाएं और छोटे मियां साहब में बैठ के सियासत करें, तो वो जो एक नॉन एक्सेप्टेंस का एक सोच है कि शायद मियां नवाज शरीफ काबिल कबूल नहीं है, कहीं वो बात भी बना के ना आ जाए मियां शहबाज शरीफ। तो हुकूमत की जो परेशानी और घबराहट है, मुझे तो उसके पीछे ही वजह नजर आती है, और इन्हें डर है कि शायद कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें इनका चलचलाओ हो जाए। अच्छा सईद गनी साहब, वैसे आपका तो जो मैंने अभी बयानियां सुना है उससे तो मुझे ऐसे लगता है कि एक तरफ तो आप मियां बड़े मियां साहब को कह रहे हैं कि वापस क्यों नहीं आते आप, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि छोटे मियां साहब को बाहर जाने दें, तो ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मुझे लगता है कोई एक पेज पे आ रही है। नहीं ऐसा मेरी जो अभी बात मैंने कही थी, मैंने शुरू यहाँ से किया कि एक सियासी कारकुन के नाते आप मुझसे अगर ये सवाल करेंगी कि हुकूमत क्यों को नहीं जाने दे रही, तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए नहीं जाने दे रही कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब वो गए और मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर जाकर कुछ पाकिस्तान की सियासत पर गौर फिक्र किया गया और आगे का लायबल पे बनाया गया, तो उससे इस मौजूदा हुकूमत को परेशानी लाद हो सकती है। तो ये मेरी अपनी राय है, जाहिर है सर ये आपकी राय जो है ना इसमें बड़ा कोई बड़ी खबर है। आप बताएं, उस्मान डार साहब बताएंगे, जुबैर साहब बताएंगे, मैं तो बाहर से बैठ के देख रहा हूँ। अच्छा ये जुबैर साहब, अब आप वो जो बैरूने दरिया जो देख रहे हैं लोग, तो अंदरूने दरिया क्या सूरत हाल है? दो मुख्तलिफ बयानिये हैं, मफामत और मजाहमत का, और मफामत का बयानिया लंदन जा रहा है मजाहमत के बयानिये से बात करने के लिए, तो कितनी कामयाबी मिल सकती है सर उनको? एक मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन कर दूं उस्मान डार साहब की बात पर, मसला एक बहुत बड़ा होता है जब ऐसा वजीर आजम आके बैठ जाता है जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अलिफ बे नहीं पता होती, जिसको ये नहीं पता होता उसके कलीग्स को कि असासों की डिटर्मिनेशन कैसे होती है कि वो सही बने या गलत बने। वो तरीकेकार अगर आपको पता ही नहीं, मतलब मेरा ख्याल है खान साहब को तो बिल्कुल भी नहीं पता, बिकॉज कभी उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। टैक्स रिटर्न होते हैं उसमें आप जो भी वेल्थ अपनी शो करते हैं उसमें रिसोर्सेज भी शो करते हैं और दोनों को मैच करता है एफबीआर और वो साला साल चलता है और वो आप उस नतीजे पर पहुंचते हैं। सो ये और फिर दूसरी बात ये कि ये हमारे ऊपर नहीं था, ये नैब के ऊपर था कि कोर्ट में जाके उन्होंने तमाम चीजें बताना। अगर आप 8-10 महीने में ये सब नहीं कर सकते तो आपको खुद शिकस्त कबूल करनी चाहिए। जो जहां तक बयानिए का ताल्लुक है कि जी मियां शहबाज शरीफ का बयानिया, शहबाज नवाज शरीफ का, देखिये ये एक बिल्कुल हकीकत है कि पिछले 3 साल में जब से हमारे ऊपर ये इमरान खान साहब ने मजालिम ढाने शुरू किए हैं और ये समझे थे कि थोड़ा सा ये जुल्म करेंगे, एक आध दिन अंदर रखेंगे, एक आध महीने अंदर रखेंगे पीएमएलएन की लीडरशिप को, तो ये हैंड्स अप करके बाहर आ जाएंगे और तौबा करके घर बैठ जाएंगे। अब वो हुआ नहीं है, और इस दौरान बिल्कुल ऐसी बात है कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स और उनकी जो थिंकिंग है वो ये है कि जी हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, और रास्ता निकालेंगे तो आगे पाकिस्तान का भी फायदा होगा और पार्टी का भी फायदा होगा। बहुत से लोग हैं जो विद इन द पार्टी समझते हैं कि जी अगर हम हर चीज एक्सेप्ट करते रहेंगे तो उसके नतीजे खराब होंगे, और हुए भी हैं। अच्छा रास्ता रास्ता क्या है? रास्ता क्या है सर? रास्ता क्या है कि किस तरह का रास्ता? तो हम सिर्फ ये कहते, देखिये ना एक चीज तो तय है और उस्मान को पता है यहाँ बैठ के 8-9-10 बाय इलेक्शंस हुए हैं, और उस बाय इलेक्शंस में तमाम सूबों में हुए, रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और ये अभी रीसेंट बात है। इतने बाय इलेक्शंस हारना एक रूलिंग पार्टी के लिए अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा अच्छा मैं इस पे डार साहब बिल्कुल ऊपर से जहांगीर तरीन साहब ने ऊपर तलवार लटकाई हो, इतने मेंबर्स लेके बैठे हुए हो, तो परेशानी तो होगी। घबराने का वक्त है, कोई नहीं है, घबराने का वक्त है, मतलब डार साहब घबराने का वक्त आ गया पीटीआई वालों के लिए, बाकी कौम के लिए एक हौसला और हिम्मत का वक्त है, थोड़ा सा और धक्का देना है। और ये डार साहब, अब जुबैर साहब और सईद गनी साहब न्यू अरेंजमेंट की बात करें, जुबैर साहब ने न्यू की बात नहीं की, वो रास्ते की बात की है उन्होंने, लेकिन न्यू अरेंजमेंट जो है उसमें फिर आपको घबराना चाहिए इस वक्त? देखिए जो गनी साहब बात कर रहे थे, आजकल तो वैसे ही कोरोना ने हमें जूम और ये सारी वर्चुअल मीटिंग्स की आदत डाल दी है, तो अगर कोई ऐसी बात है भी बाहर नहीं जा पाएंगे तो बड़े भाई के साथ जो भी मशवरा करना है
शहबाज शरीफ साहब ने वो जब जिस दिन वो मुबारक करेंगे एक दूसरे के साथ उस दिन बात कर लेंगे कि क्या उनका फ्यूचर रोड मैप है जिस तरह ये बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए बाय इलेक्शन पे मैं सिर्फ कुछ एक बात करना चाहूंगा, हम समझते हैं पाकिस्तान में जो इकतदार की जंग है उसका जो असल तख्त है वो पंजाब है, पंजाब में बैटल फील्ड होगी जब भी होगी 2023 में। और अगर आप 2018 और 2021 के या जो रिसेंटली 20 के आखिर में जो बाय इलेक्शन आए हैं उसमें जो सीटें थी तीनों पीएमएलएम की थी और हमारा जीत का जो हार का जो मार्जिन था वो 40,000 वोट से अब 12,000 वोट तक आ गया। और ये 2-2.5 साल में और अगले 2-2.5 साल जो कि हमारे मेजोरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं आसमां वो ट्रैक पे आ गए हैं, जो हमें वक्त दरकार था अपने प्रोजेक्ट जिससे आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है, चाहे वो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, हेल्थ कार्ड का है, कामयाब जवान जिसका आपने अभी जिक्र किया, 2-3 लाख खानदानों को कारोबार शुरू करने का इसे मौका मिलना 10,000 से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन महंगाई का बड़ा मसला है ना डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरूर इस पे बात करेंगे कि महंगाई इस वक्त इतना मसला है। बेशक कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं गवर्नमेंट के, लेकिन महंगाई इतना बड़ा मसला है कि वो आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल है। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद जरूर बात करेंगे और पीडीएम में भी क्या जान पड़ सकती है, सईद गनी साहब और जुबैर साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले उस्मान डार साहब इलेक्शंस की बात कर रहे थे और पंजाब के बैटलफील्ड की बात कर रहे थे। सिंध के अंदर तो जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी डोमिनेट नजर आती है, लेकिन उस पर हम बात करेंगे 249 की। लेकिन उससे पहले एक जो पिछली बात को मैं जरा सईद गनी साहब आगे बढ़ाना चाहती हूं, न्यू अरेंजमेंट की जो बात हुई है उसमें पीपल्स पार्टी कितनी ऑन बोर्ड है, क्योंकि बिलावल साहब का और शहबाज साहब का भी रिसेंटली राबता भी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ मरियम साहिबा और बिलावल साहब के बीच लफ्जी जंग जो है वो ट्विटर और सोशल मीडिया पर चलती रही है। तो 249 के फैसले के बाद लगता है कि थोड़ी सी कोई मदम हुई है ये लड़ाई, तो क्या आपको लगता है? इसमें सच्ची बात यह है कि हम तो नहीं चाहते कि ऑपोजिशन की जमातों में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो, लेकिन बदकिस्मती से किसी वजह से हालात ऐसे पैदा हो गए कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एनपी को अलग अलग कर दिया गया और बाकी जमात एक तरफ है। लेकिन उस सिचुएशन में भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह कहा कि हम अब भी कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि हुकूमत पे हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए और जो आवामी इश्यूज हैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, जो आवाम के मसाइल हैं उस पर हमारी कहीं ना कहीं कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ तो इत्तेफाक है, लेकिन जाहिर है जो अंडरस्टैंडिंग है वो हर चीज पे तो नहीं हो सकती, कहीं कहीं इशूज हैं वो रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं नहीं समझता कि इस बात पर कोई इख्तलाफ होगा कि इस हुकूमत की वजह से जो नुकसान हो रहे हैं इस हमारे मुल्क के शहरियों को, जैसे जो पाकिस्तानियों को तकलीफ आ रही है महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, उस पर कोई इख्तलाफ हो। तो अब न्यू अरेंजमेंट में जो पूछ रहे हैं पीपल्स पार्टी का क्या रुख होगा, तो हम तो सिर्फ हमेशा एक बात चाहते हैं कि कोई हालात ऐसे पैदा हों कि जो इंतखाबात हों, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो वो आजाद हो, इंतखाबात में बैरूनी मुदाखलत ना हो, पाकिस्तान के शहरी जिन जमातों को वोट देना चाहते हैं वही जमातें। और अगर इन हाउस, अगर इन हाउस चेंज की तरफ जाते हैं तो आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ खड़े होंगे? अभी मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जाहिर है कि यही तो वो बात थी जो हमने कही थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए, वजीर आजम के खिलाफ भी आना चाहिए, गुजार के खिलाफ भी आना चाहिए, जिस पर पीएमएलएन और जेयूआई ने डिसएग्री किया था। तो अगर ये उस पर आएंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ कि 99% चांसेस पे ये कैम शाह के साथ खड़े होंगे। अच्छा, और 249 में आपने मिठाई भेज दी मिफ्ता साहब के घर पे, उसके बाद से कोई बयान भी नहीं आया, वरना रीपोल की बात हो रही थी, अभी मुझे जुबैर साहब से पूछना है। वो असल में जब रिकाउंटिंग नहीं हुई थी तो ये समझ रहे थे कि पीपुल्स पार्टी अपोज करेगी, रिकाउंटिंग को नहीं होने देगी। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा तो हमने कहा कि ठीक है होने दें, हम उस पर तैयार हो गए। तो उससे पहले मिफ्ता साहब ने कई टीवी शोज में ये कहा कि अगर रिकाउंटिंग के बाद में हार गया तो सईद गनी के घर पर मैं हार पहनाने जाऊंगा। तो जब ये रिकाउंटिंग हो गई, हम जीत गए, तो वहां मीडिया के दोस्तों ने मुझसे पूछा कि जी मिफ्ता साहब आपके यहाँ हार पे हार लेकर आएंगे कि नहीं, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं मिठाई भिजवा दूंगा। अच्छा, तो जख्मों पे नमक छिड़के आपने सईद गनी साहब, वैसे ये भी दोस्त है हमारे, सब दोस्तों के साथ ऐसे नहीं करते जुबैर साहब, हमें हमारे हमारी खुशियों में शरीक होना चाहिए। जुबैर साहब, आपने तस्लीम कर लिया 249 की पीपल्स पार्टी की फतह को, एक बात, और दूसरा न्यू अरेंजमेंट, इन हाउस चेंज, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पीपल्स पार्टी का नरम रवैया, क्या लगता है आप? 249 में तो नरम रवैया नहीं था पीपल्स पार्टी का।
काफी सख्त था, मतलब पॉलिटिकल हवाले से बात कर रहा हूँ। कोई इन्होंने कोई एक सेंटीमीटर भी हमें नहीं स्पेस दी थी, और जाहिर है इलेक्शन का तो यही तरीका होता है। लेकिन आपने कहा कि हमने मान लिया, देखिए हमारे पास जो लीगल रास्ते थे, और ये सईद गनी साहब भी एग्री करेंगे, ये हमारा राइट था कि जितनी मार्जिन था 700 का भी मार्जिन नहीं था डिफरेंस, तो उसमें तो हमारा राइट बनता है कि हम रिक्वेस्ट करें कि जी रिकाउंटिंग हो, और इलेक्शन कमीशन ने वो रिक्वेस्ट पूरी भी की। सो जो हमारे पास लीगल रास्ता था हमने वो आजमाया, और उसके बाद जाहिर सी बात है ये जीते, और इन्होंने खुद ही मिठाई भेज दी। वेट नहीं किया इन्होंने मिफ्ता इस्माइल का कि हार लेके आए, अब इन्होंने पहली चाल खुद चल ली, तो अब मिफ्ता के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो मिठाई लेके या हार लेके जाए बाहर। आई डोंट थिंक सो ये कोई परमानेंट लड़ाइयां होती हैं जिसके बाद हमें बाहर भी आना होता है, और पॉलिटिक्स भी करनी होती है, भरपूर अंदाज में पॉलिटिक्स करनी होती है, और हो सकता है आगे पार्लियामेंट में करनी पड़े, मतलब नो कॉन्फिडेंस की सूरत में हो सकता है ये भी। दूसरी बात यह है कि सईद गनी का ताल्लुक सिंध से है, मेरा ताल्लुक भी सिंध से है, फ्यूचर इलेक्टोरल बैटल्स भी होंगे। जाहिर है पीपल्स पार्टी यहाँ की बहुत बड़ी जमात है सिंध की, 50 साल से सबसे बड़ी जमात है, तो थोड़ा सा तो हमने इनको हिलाया है। और दूसरी बात जो है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो दो सबसे बड़ी जमातें थी, पीटीआई जिसने 14 सीटें ली थी, और 6 एमकेएम ने 21 में से सीटें ली थी कराची में, और जिसकी वजह से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे हुए हैं, एक लास्ट है एक की पोजीशन और दूसरे की सेकंड लास्ट है। तो ये बड़े फंडामेंटल चेंज हुआ है इस दफा इस इलेक्शन के बाद, ये सबसे बड़ा मैसेज है। अच्छा, ये सबसे बड़ा न्यू अरेंजमेंट, न्यू अरेंजमेंट पे मैंने भी आना है, लेकिन डार साहब महंगाई इतना बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि पीटीआई इस वक्त भी पंजाब की के अंदर जो है वो कम्पीट कर रही है, और ठीक ठाक कम्पीट कर रही है, अगला इलेक्शन में भी शायद कम्पीट करेगी पीएमएलएन के साथ और बाकी जमातों के साथ, लेकिन महंगाई इतना बड़ा फैक्टर है कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हों, बेशक वो कामयाब जवान हो कुछ भी हो, उसका असर नहीं नजर आएगा अगर महंगाई रही तो। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक जो जिस रिलीफ की आप बात कर रही हैं इसमें कोई शक शुबा नहीं है, पहले से इमरान खान भी पूरी जिम्मेदारी के साथ लगे हैं, हमारी सूबाई हुकूमतें भी लगी हैं। दूसरी तरफ हमें कोरोना का भी सामना है, जो एक मुआशी तबाही आप खिते में भी अगर नजर डालें, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, ये हकायक है, अगर आप खिते में भी देखें तो महंगाई का तो तकरीबन हर एक कोई सामना है, हर जो सिचुएशन इस वक्त बनी है। लेकिन जो हमारी इसके साथ साथ कोशिश है, जिन प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा था, हमें लोगों के मुआशी हालात को बेहतरी की तरफ जाना है, ये जीडीपी कहते थे उन इशारियों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, जो इशारी अब सामने आ भी रहे हैं, स्टेट बैंक के भी है, वर्ल्ड बैंक के भी, IMF के भी है, 4% की तरफ इंशाल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि GDP जाएगा, और उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों में बाइंग पावर आए। जब आप उनकी सैलरीज बेहतर हो जाएंगी, जैसे रोजगार की मैंने बात की, 2-3 लाख इंशाल्लाह ताला रोजगार, और ये पूरा प्लान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों को करीब लाने की कोशिश की जा रही है, महंगाई भी नीचे आए और लोगों के हालात भी बेहतरी की तरफ जाए। पूरी दुनिया में देखिए 25 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो गए, तो अगर फौरी इलेक्शन हो जाता है डार साहब तो फिर सूरत हाल क्या होगी? मैं नहीं समझता ये अपोजिशन की रिहाइश हो सकती है, या जब ये देखते हैं कि जी शायद तरीन साहब के साथ कुछ लोग खड़े हो गए हैं, तो फिर शायद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। देखिए जब भी इलेक्शन होगा, अगली हो या बाद में हो, इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ और PMLN में होगा। वो देखे अभी हालिया इलेक्शन देखे ना, हुशाब में क्या हुआ है, हुशाब में हमने 63,000 वोट लिए हैं, ये तकरीबन मेरा ख्याल है इनके कोई 71-72,000 थे, और पीपल्स पार्टी देखे ना 235 वोट आसमा, 235 वोट, तो एक यूनियन काउंसिल का काउंसलर भी इससे ज्यादा वोट ले ले, और पीपल्स पार्टी का MPA 235 वोट ले रहा है, तो सईद गनी साहब मिठाइयां सिंध में तकसीम करेंगे अगले इलेक्शन में। अच्छा, पंजाब या अभी सईद गनी साहब को लगता है पंजाब आना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक डार साहब लेती हूं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जरूर बात करेंगे मलीर में जो बहरिया टाउन के हवाले से वहां पे एक ऑपरेशन हो रहा है, और वहां पे लोगों के साथ जो लोगों की शिकायतें आ रही हैं उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे सईद गनी साहब से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और सईद गनी साहब आपके पास आते हैं। जो बहुत शिकायतें आ रही हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं मलीर के अंदर जो एक बैरिया टाउन के हवाले से और वहां पे पुलिस ऑपरेशन और सब कुछ, तो सर FIR तो आपने काट ली है लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक अमली इकदाम नहीं हुए हैं, क्या पोजीशन है वहां पे, क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत नुकसानदेह होगा। देखिए असमा, ये जब कुछ दिन पहले एक मरतबा ये हुआ और सोशल मीडिया पे आया तो चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त ही नोटिस लिया था और चीफ मिनिस्टर साहब को कहा था कि इसकी इंक्वायरी करा, मुझे इसकी रिपोर्ट पेश करें। लेकिन बदकिस्मती से अगले दिन ये फिर हुआ, तो उन्होंने बहुत शदीद नाराजगी का इजहार किया। फिर उस पर फौरी तौर पर वहां जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको मुअत्तल कर दिया गया, वहां जो मुख्तियारकार थे उनको मुअत्तल कर दिया गया, वहां के जो SHO थे उसको ना सिर्फ ये कि मुअत्तल किया गया, हटाया गया, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला हुआ। जो लोग वहां बहरिया टाउन के लोगों के ऊपर तशद्दुद करने में मुलविस थे उनके खिलाफ FIR की गई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वो मैं समझता हूँ कि जो कानूनी इकदाम हो सकते थे उसे हुकूमत ने दिए हैं और इसकी मजीद हम तहकीकात भी कर रहे हैं कि इसमें SHO का क्या रोल था। जो लेकिन वहां पे वो गोट के लोग उसके खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं कि वहां नहीं बनना चाहिए, जबरदस्ती वहां पे काम हो रहा है, उसको भी रोका गया है कि नहीं और वो उस पर क्या आगे किया जाएगा? नहीं, फिलहाल तो जहां पे ये सारी कार्रवाई हुई थी, जहां से ये वीडियोज आई थी, वहां तो काम रोक दिया गया है ना। अब वहां ये भी देखने की जरूरत है, जो इशू होगा नॉर्मली वो इसी बात पे होता है कि बैरिया टाउन क्लेम करती होगी कि हमारी जमीन है, जो वो गोट होगा वो क्लेम करता होगा कि हमारी जमीन है। अगर तो रिकॉर्ड में ये आ जाता है कि ये गोट की जमीन है तो बैरिया टाउन का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर बैरिया टाउन की जमीन है रिकॉर्ड के मुताबिक तो जाहिर है उनको कहा जाएगा कि आपका क्लेम गलत है, तो वो हम सॉर्ट आउट करें। लेकिन इस बात की इजाजत तो नहीं हो सकती ना कि कोई इस तरह मशीनें लेके चला जाए और लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दे और लोग जख्मी हो जाए। बिल्कुल, ये बात बहुत अहम ये अहम बात है। जुबैर साहब आप बताइएगा सर, न्यू अरेंजमेंट पे आपसे मैंने पूछना था, वक्त खत्म हो जाएगा इसलिए जरूरी है आपसे भी और टार साहब से पूछना क्विकली कि अगर न्यू अरेंजमेंट में नो कॉन्फिडेंस आती है तो PMLN उस पर क्या उसका होगा रद्द अमल या अल्लाह अमल? देखिये अभी तक तो हमारा कोई इरादा नहीं है नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। अभी तक तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट मंथ जब बजट आएगा और जहांगीर तरीन साहब दूसरी तरफ खड़े हुए होंगे और भी बहुत से MNA जो इनको पता है उस्मान डार साहब को, वो भी हट जाएंगे ट्रेजरी बेंच से, तो खुद ब खुद हुकूमत गिर जाएगी, नो कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं होगी। डार साहब, सर जुबैर साहब हर बात का मेरी तरफ क्यों इशारा करते हैं? उस्मान डार को पता है, उस्मान डार को पता है, मुझे कोई पता ही नहीं है ना, दोस्त तो आपके साथ ही करेंगे ना, हमदर्दी तो आपके साथ ही होगी। देखिए आत्मा, इनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि बजट पास ना हो, ट्रेजरी बेंचेस से लोग उठकर हमारी तरफ आ जाए। देखिये मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, जिस इमरान खान से मैं जानता हूँ, इस तरह उसे ब्लैकमेल नहीं किया जाए। असेंबली है, देखिए जब वो ये सिचुएशन देखेंगे कि उनके जो मिशन है, विजन है, जो 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 वो मुल्क के लिए करना चाहते हैं उसके